gay papa. Source ka bhi main zara si sa phange o Hasnan the channel. जबरदस्त पूछते हो दोस्तों को ही सपोर्ट होता है जो सबसे पहले होता है तो हम है आपकी सपोर्ट हेल्प वगैरह तो मुझे बताना क्योंकि मैं म्यूजिक वगैरह करता हूँ तो मेरे पास इंडस्ट्री में जितने भी हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री में और इंडिया में सभी ऑलमोस्ट कॉन्टेक्ट में हैं तो आई कैन गेट इश्यू क्या दोबारा इंजीनियरिंग कोई मैं चाइना गया मैंने चाइना से डिग्री कंप्लीट की अपनी और अब मैं चाइना में जॉब भी कर रहा हूँ और शुरू से मैं तो कतर में ही बॉर्न एंड रेज हूँ तो मेरी फैमिली तो सारी यही होती है तो इट्स प्रीटी गुड नाउ अल्लाह का शुक्र है यार सब एवरीथिंग इज नाइस नहीं यार मुझे तो बड़ी खुशी हुई तुमसे रात में कांटेक्ट करके और तुमने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और यार ये यही बात है ना मुश्तबा मैं सीरियसली एक बात कहूँ इंटरनेशनल मेंटेलिटी में ना हमारे पास ये चीज है कि वी गॉट अवेयरनेस कि इंसानियत क्या होती है और कोई जितना ज्यादा हाई रैंक पे चले जाए या सक्सेस हासिल कर ले तो आप अपने पुराने दोस्तों को या वो लोग जिनके साथ वक्त गुजारा आप ये नहीं बोलोगे यार आप कौन और हम नहीं जानते यार दैट्स द थिंग यू नो जस्ट सिंपल सी बात है बर्तन खाली आवाज करता है जो भरा बर्तन होता है वो आवाज नहीं करता सो ये मेंटेलिटी हमारे पाकिस्तान में अब तुम देखो नॉर्थ इतने उस लेवल पे नहीं है लेकिन उनका एटीट्यूड बहुत अलग लेवल पे चला जाता है यार यहाँ तो लिटरली सर आपकी मैं बात काट रहा हूँ मैं आपको यहाँ का मैं बताता हूँ ना यहाँ तो लिटरली आप ऐसा है ना कि किसी ने थोड़ा सा भी अगर 10 लाख रुपए कमा लिए ना तो उसका स्टाइल ही बदल जाना हालांकि 10 लाख रुपए क्या होते हैं आपको भी पता है 10 लाख रुपए इज नथिंग सही बात तो ये बात होती बात मुझसे भाई बहुत अच्छा लगा सीरियसली आपसे रात में बात करके और बहुत यानी एक अच्छा लगा कि यार ऐसे लोगों के साथ भी वक्त गुजरा जो लोग बहुत अच्छे लेवल पर भी हैं अभी राइट नाउ एंड दे हैव सक्सेस एंड इवन दैट दे आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड दे रिमेम्बर अस थैंक यू सो मच बस ये फैमिली वैल्यूज होती है यार दिस इज यू नो यू हैव टू टेक केयर ऑफ सच क्या जिंदगी से टाइम गुजरे या किसी को आपका भी मदद चाहिए हो तो आपका होना वहां जरूरी है सही सही बात इंडिया में भी काम कर रहा हूँ इंडिया में भी मैं भी काम कर रहा हूँ क्या नाम है मिका सिंह के साथ सेकंडली मिका सिंह का जो ऑफिशियल डीजे है डीजे रोहन डीजे रॉकिंग उसके साथ मैंने गाने काफी गाने डन थ्री सॉन्ग्स विद अली मुस्तफा ही इज द लीडिंग music producer of Pakistan. I have done videos with Asif Masood in Pakistan and I have done a lot of video production here in Doha with WhatsApp Doha Qatar. And I've currently I'm doing with my new production house. It's called Seven State. It's in China. And my recent song, Meri Jaan, which was released on 1st January. So wo maine wahi China mein shoot kiya hai. So, you know, I have my own YouTube handle, Instagram and everything. It's called Mushtama Music. और मेरे गाने जो है वो सारे एयर चैनल्स पे भी चलते हैं इट्स ऑन द रेडियो स्टेशन एंड एवरीवेयर लाइक दैट या कंपोजर आई एम अ सिंगर लिरिसिस्ट एंड कंपोजर म्यूजिक प्रोडक्शन मेरी डिफरेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स करते हैं सीईओ बोल बच्चन में आप लोग सबको खुशामदीद और आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद है और इनका इंट्रो मुझे देने की जरूरत नहीं ही इज अ वेरी फेमस गाय और बहुत छोटी सी एज में मुश्तबा भाई ने बहुत नाम एक इंटरनेशनल लेवल पे भी क्रिएट कर लिया है और मलेशिया में मुश्तबा भाई मेरे साथ जो थे वो मेरे यूनिवर्सिटी मेट थे और वहां से इनके अंदर एक चार्म था यू वांट टू बी अ समथिंग ही हैव अ पैशन एंड फाइनली ही फाइंड हिमसेल्फ और माशाल्लाह से राइट नाउ मुस्तफा भाई जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी सिंगिंग करते हैं कंपोजिंग करते हैं और माशाल्लाह से ही इज अ वेरी गुड गाय तो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू विद मुस्तफा साहब के मुस्तफा साहब अभी राइट नाउ क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं
अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, क्या हाल चाल है अस्मान? लॉन्ग टाइम, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब जबरदस्त। मुझे आपकी याद आ गई तो मैंने जरा मुस्तफा भाई को ऑनलाइन पॉडकास्ट पे लेकर आया। अपनी सीओ बोल बच्चन आजकल बड़ा छोटा सा प्रोग्राम है, तो आप जैसे बड़े लोग जाकर जरा बोला हेल्प कर दें छोटा सा प्रोग्राम। नहीं नहीं, इसमें बड़े छोटे वाली कोई होती है। एंड डेफिनेटली यू नो व्हेन सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु कम इन द इंडस्ट्री या कुछ भी बोलो ऐसा करना चाहते हैं, यू नो व्हिच इज गुड फॉर एज एन आर्टिस्टिक है, सो आई ऑलवेज अप्रिशिएट द न्यू टैलेंट एंड आई अप्रिशिएट आर्ट। सो आप ये कर रहे थे तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो मुस्तफा भाई, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं सर, क्या कर रहे हैं आजकल और कैसे कर रहे हैं? मैंने सुना है मीका सिंह वगैरह के साथ भी काम चल रहा है आपका। सर क्या कर रहे हैं? काफी कुछ कर रहे हैं लेकिन आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। बट या आई होप के ये लॉकडाउन एंड वी ऑल यू नो हैव अ नॉर्मल लाइफ बैक। आजकल तो बस इंशाल्लाह ताला सर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला सारी चीजें बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा। मालिक से दुआ है, मौला पाक सब बेहतर करेंगे। तो मुस्तफा भाई राइट नाउ अभी तो फ्री है, जब भी आप हमारे हत्ते भी चढ़ गए इंटरव्यू पे, वरना आप अगर लॉकडाउन भी चल रहा था तो आप हाथ भी अभी आते हमारे, बिकॉज यू आर अ वेरी बिजी गाय आई थिंक। बोर्न एंड लिविंग इन कतर, माय होल फैमिली लिव्स इन दोहा कतर एंड करंटली आई एम वर्किंग इन चाइना। और मैं चाइना से ही मतलब अपनी डिग्री भी कंप्लीट की है इन इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। And I did my foundation in Malaysia, जहाँ पे मैं आपसे मिला था। That place exactly. हम गए थे वो UCT आया था, अब APU हो गया। But yeah, I recently visited Malaysia. Seriously, उसके बाद UCTI वाला time that was very very fabulous और बहुत मजा आता था। Literally तुम्हें भी यादें जुड़ी होंगी आपकी mission। वो जो time है, that's the most golden period you can say, you can never forget. kya mein the fir Malaysia mein main to aa gaya tha Pakistan, uske baad kya hua ye batao, star kaise bana uske par star kahan se shuru kare aap bataye, kahan se chahte hain aap? Malaysia se shuru kare aap, kyunki I think Malaysia mein jab aap the us waqt itna bada level nahi chal raha tha. मलेशिया में जब मैं था तो आई वाज अ वेरी वेरी यंग व्हेन आई केम टू मलेशिया, आई वाज 16 हार्डली, तब मैं 16 साल का था। तो मैं मलेशिया गया था एंड आई डिड माय फाउंडेशन इन एपीयू यूनिवर्सिटी एपिट। तो उसके बाद आई डिड माय फाउंडेशन एंड फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ मैं काफी ज्यादा इनटू यू नो म्यूजिक एंड डांस एंड परफॉर्मेंसेस इवेंट्स सब में बहुत था एंड आई डिड अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस representing our university, representing Pakistani community in EPIC. Pakistan! And later on, this started affecting my studies and stuff because shuru se mera jo hai entertainment side pe zyada hi mind raha hai. आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा। एंड Then I did my foundation and उसके बाद फिर मैंने अपना I came back to Qatar, I took a 1 year break and in 1 year break I did music and I made like 2 songs जिसमें से एक मेरा गाना बिल्लो which was very it got really famous and it also went in the BBC Asian charts. फिर वो TV channels पे आने लगा, radio stations पे आने लगा and that's how I got my own space within the industry. And then I thought, why not continue what I'm doing? So, uske alawa phir maine apni degree ko complete kiya, of course. Then I went to China. I did my electrical engineering degree from China. And now I'm working in China. Aur due to this pandemic and all this stuff, I came back to Qatar and wahan pe lockdown ho gaya. और कोरोना से लड़े तो बस वेट कर रहे हैं कि कोरोना खत्म हो तो हम काम पे वापस जाएं। लॉकडाउन में मुस्तफा कोई म्यूजिक क्रिएशन करी, कोई कंपोजिंग करी लॉकडाउन में?
कोरोना के हवाले से कोई लिरिक्स वगैरह बताए? या कोरोना के हवाले से नहीं बनाए, क्योंकि आई थिंक कोरोना पे ऑलरेडी इतना सोशल मीडिया पे आ गया है, आई डोंट थिंक सो कि कोरोना पे भी और जरूरत है किसी को कुछ बनाने की. बट यस, आई हैव मेड अ लॉट ऑफ न्यू सॉन्ग्स. मुझे मुस्तफा जो है, मुस्तफा जाते मुझे याद है, मुस्तफा ट्रेंड्स को फॉलो भी करता, मुस्तफा अपनी क्रिएटिविटी निकाल के लेकर आता है. बिल्कुल ऐसे ही है, क्रिएटिव होना जरूरी है. अगर हम सारे एक ही चीज को फॉलो करेंगे तो फिर नई चीज सामने कैसे आएगी? हाँ, बहुत से देख रहे हो लोग अभी राइट नाउ क्वारंटाइन पे रैप्स बन रहे हैं, म्यूजिक्स बन रहे हैं, और बहुत कुछ हो रहा है. तो जब भी दैट्स व्हाई मैंने पूछा, लेकिन आई फॉरगॉट कि मुस्तफा भाई लीडर है, एंड लीडर जो है वो फॉलोअर भी होता है. नहीं, ये आपका प्यार है बस. बाकी आई हैव डन, मैंने काफी अभी रिसेंटली मैंने 1st जनवरी को अपना लेटेस्ट ट्रैक निकाला था. इट्स म्यूजिक इज डन बाय डीजे रॉकिंग, ही इज फ्रॉम इंडिया, ही इज द ऑफिशियल डीजे फॉर मिका सिंह, एंड वी शॉट द वीडियो इन चाइना, इज अ सिटी कॉल्ड थियनजिन, वहां पे हमने इसको शूट किया और ये गाना हमने निकाला है रिसेंटली. माशाल्लाह से यानी मिका सिंह तक पहुंच गया, मिका सिंह के साथ काम हुआ. जी बिल्कुल, बस अनफॉर्चुनेटली या देयर आर प्रॉब्लम्स, लाइक अब जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया की जो यू नो बिकॉज़ ऑफ रिलेशन द सिंगर्स के लिए काफी प्रॉब्लम हो गई है पाकिस्तान और इंडिया में. लाइक वी कैन नॉट कोलैबोरेट विद ईच अदर, अगर हम लोग कोई इंडियन म्यूजिक लेबल यूज करें या पाकिस्तानी म्यूजिक लेबल यूज करें, सो द ओनली वे वी कैन कोलैबोरेट विद अ इंडियन आर्टिस्ट इज थ्रू आवर इंडिपेंडेंट लेबल, व्हिच इज हैज has nothing to do with any country, or otherwise there are a lot of UK based labels, UK ke kafi sare music labels hain jinke through hum log matlab collaborate kar lete hain and all that stuff. So you know this hate and everything is between India ki wajah se jo ek social media war bhi chal rahi hai and all that, to aap log ko bahut problem hota hoga music industry mein ek joined kuch content banane mein bahut problem hoti hogi aap log ko. Am I right, Mustafa? Yes. ये तो अब डेफिनेटली होती है इस चीज को लेकर, और बट इसमें एक एडवांटेज भी है कि जैसे कि पाकिस्तान में म्यूजिक लेबल्स की बड़ी बड़ी कमी है. आप कह लो पहले बीच में एक दो लेबल्स थे, फिर वो चले, फिर वो खत्म हो गए, उनके कंटेंट उस लेवल पे नहीं रहे. बट नाउ इफ यू सी नाउ पाकिस्तान में काफी नए लेबल्स को चांस मिल रहा है ऊपर आने का, जिसमें से एक अभी बिलाल सईद है. बिलाल सईद का भी 1-2 रिकॉर्ड्स के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया है. So you know he's doing a good Bilal job. Sahib ko mashallah se, Bilal Sahib underground banda hai, lekin he's a very talented guy. I think main personally Bilal Sahib ko sunta bhi hu, aur mashallah se Bilal Sahib se Mustafa bhai koi collaborate wagera kabhi hua? जी जी, बिलाल सईद के साथ इंशाल्लाह देखें, मेरा प्लान है, मेरा जो गाना था अभी मेरी जान है, बस प्लानिंग टू रिलीज इट अंडर हिज रिकॉर्ड लेबल, बट ड्यू टू सम यू नो रीजंस आई डिड नॉट रिलीज इट. Inshallah, I'm planning my next gana hai. That will be inshallah under Bilal Said's record label, and we will collaborate on something very soon. Yeah. Sure. Main wait karunga sir inshallah taala, aur aapko lazmi mujhe link forward kar. Definitely. Aur bhi mujhe niklega to sir jitne bhi aapne tracks produce kare, composing karke jitne bhi tracks ki, तो मुझे उनके लिंक्स देना, आई विल ड्रॉप देम इन माय डिस्क्रिप्शन. तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे जो नहीं जानते होंगे, दे विल गेट नो अबाउट यू के इतनी छोटी सी एज में माशाल्लाह से मुस्तफा भाई ने. अभी एज क्या है मुस्तफा भाई आपकी? आई एम 26. इतना भी छोटा नहीं, 26. नहीं सर, फिर भी 26 में एक इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएट करना, कोलैबोरेट करना, दैट्स अ बिग आर्ट एग्जांपल फॉर अस. आई सैल्यूट यू सर, एट द एज ऑफ 26 यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, और आई एम विद यू ऑलवेज, शुरू से आपके साथ था, अभी भी आपके साथ है सर. बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है कि यू नो आई बिलीव के सारे मिलके काम करें तो उसमें इट्स मोर गुड. और पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत प्रॉब्लम है, आप देखें पाकिस्तान में इसकी वजह से बैंड्स जो है वो ज्यादा टिक नहीं पाते, या कोई भी ऐसे बैंड्स हैं जिनके दो मेंबर्स हैं वो भी टिक नहीं पाते, बिकॉज ऑफ दिस ईगो स्टफ व्हिच कम्स इन बिटवीन, एंड यू नो सक्सेस चढ़ जाना सर पे. सो दिस इज समथिंग वी नीड टू लर्न, स्पेशली इन पाकिस्तान. सीरियसली वी हैव टू लर्न ऑल दीस थिंग्स, के वी हैव टू लर्न हाउ टू यूनाइट,
एंड हाउ टू यूनाइट एंड हाउ टू मेक अ कॉन्टेंट. यूनिटी में जो सर कॉन्टेंट बनता है ना, उसके व्यूअर्स भी ज्यादा आते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन भी ज्यादा आती है. फिर आप एक वही बात है ना सर, हमारे इस्लाम में भी है कि फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग इज केयरिंग, तो इट्स अ बिग थिंग. तो मुश्तबा भाई, आप एक माशाल्लाह से इंटेलेक्चुअल लेवल रखने वाले बंदे हैं, दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. मगर हमारी लोकल मेंटेलिटी में बहुत प्रॉब्लम है ये, किसी की सक्सेस देख के लोग जो है ना इधर हलक में अटक जा रही है, लोग हलक में अटक जाते हैं लोग. विद टाइम यू नो पीपल everywhere. So inshallah, in Pakistan also abhi kafi behtar hai pehle se, like the new generation is a bit different, you can say that. Hey, inshallah taala the new generation is a bit different and they will create something different and they will build. Jaane ka dobara plan hai lockdown situation ke baad. Maine suna China ke halat behtar ho. Ji, definitely plan to hai, kyunki mera to kaam bhi wahi pe hai and I prefer living in China because I think लोगों का बहुत गलत कॉन्सेप्ट है चाइना के बारे में. अगर आप चाइना गए नहीं है तो आपका कॉन्सेप्ट चाइना के बारे में यही होगा कि वो कॉकरोच खाते हैं और यू नो ये खाते हैं वो खाते हैं और हर चीज जो है वो दो नंबर बनती है. सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. ये बता के शायद ना समझा सकूं, आप आओगे तो आप समझोगे. लाइक चाइना इज अ वे वे अहेड ऑफ. मे बी ये जो वीडियोज आप देखते हैं, आई वुड आपका प्लेटफॉर्म है तो मैं बताता हूँ, ये जो वीडियोज आप देखते हो ये एक कुछ स्पेसिफिक जो विलेज साइड हैं कुछ साउथ में चाइना के, वहां से कहीं ये निकलती हैं. और यू नो इट्स लाइक यार अब पांच उंगलियां बराबर नहीं है. लाइक अब पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में अब अगर हम बात करेंगे कराची, तो कराची में आपके माइंड में आएगा ओहो यार चोरियां होती हैं और लोग जो है वो सिर्फ गुटके खाते हैं और ये करते हैं. बट यू नो दैट जस्ट मे बी 2% ऑफ द ऑल पीपल इन कराची, जरूरी नहीं है कोई ऐसा. सही सही. यू नो इट्स लाइक एक स्टीरियोटाइप जो एक बना होता है, वो आप तोड़ नहीं सकते किसी का जब तक वो बंदा खुद वहां आए ना. That's how it is. And China is a really nice country, यार. आप अगर आपको language आती है Chinese, that's is even better for you. बहुत ज़्यादा opportunities हैं वहाँ पर. तो which department you are working in China और क्या आपकी job description है? कुछ बताएँगे हमारे थोड़ा viewers को. I'm working in a Chinese company, engineering company, और basically I am working in the department related to PLC. PLC is basically subject which you study in engineering. It's SLN department hota hai. It's dealing with, you know, this automation, mostly on the automation side of engineering. So it's basically used in different jo aap cheeze banate hain, jaise remote ho gaya ya AC ka remote ho gaya ya koi bhi badi si building hai uske andar aapne jo systems wagera banane hote hain, to iski jo logic systems ho gaye, alarming system ho gaye, like that आप उसकी बनाते हैं ना पूरी. इट्स अ डीप काइंड ऑफ थिंग. सो इट्स बेसिकली यू कैन से ऑटोमेशन इन पीएलसी. मुझे तो मुश्तफा लिटरली इंजीनियरिंग से भाई बहुत होगा यार. मैंने जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स को देखा ना, वो लोग यहाँ से थोड़े बहुत फारिग हो चुके हैं. आई डोंट नो ये चीज है. ये तो वही माइंड आपका वैसे हो जाता है, यू नो, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, अकाउंटेंट, कोई भी प्रोफेशन जिसके अगर आप उसकी डीप में चले जाते हैं तो डेफिनेटली यू यू नो यू लूज योर सैनिटी अ लिटिल. दैट्स अ आगे नए प्रोफेशंस आ गए आपके पास. बहुत सारे प्रोफेशंस हैं. फॉर एग्जांपल यार देखो मुस्तफा, आप मेरे लिए एक एग्जांपल हो. यू हैव डन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आप एक म्यूजिक आर्टिस्ट भी हैं एंड यू आर कंपोजिंग योर म्यूजिक. तो मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाई भी करे बंदा, लेकिन अपने आप को तलाश भी करे बंदा कि who the hell you are. हाँ, exactly. You know, यही problem है. The biggest task, जो सबसे मुश्किल काम है ना, वो है balance रखना. Balance is the hardest thing to keep. अगर आपको वो रखना आ जाए ना, तो आप हर चीज कर सकते हैं. अच्छा मुस्तफा, अभी आगे की क्या plans है? लॉकडाउन खुलने के बाद चाइना वापस जाना है, जॉब करनी है, म्यूजिक में कहां तक लेके जाना है? एक एम होता है ना बंदे का, यहां तक पहुंचाना है. कहां तक पहुंचाना है?
यार प्लान्स काफी हैं अभी, इंशाल्लाह लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद चाइना वापस जाना है, देन यू नो वर्क एंड स्टफ, एंड उसके बाद इंशाल्लाह आगे प्लान्स हैं म्यूजिक के भी और कोलैबोरेशंस हैं काफी, मतलब कि आगे थोड़ी मेनस्ट्रीम कोलैबोरेशंस करनी है जैसे कि बिलाल सईद है और सर्टेन आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये प्लान्स हैं। एंड इंशाल्लाह आगे जाके मेरा प्लान ये भी है कि मैं अपना रिकॉर्ड लेबल खुद भी खोलूं, which will help Pakistan, especially Middle East artists. That's amazing, sir. That's amazing. That sounds good. Yeah. So, अगर आप अपना सर खोलेंगे इंशाल्लाह ताला अपना म्यूजिक का सारा निजाम, तो I will definitely sir join you. और अभी आपको मेरे अंदर का जानवर का आइडिया, क्योंकि मैं खुद भी माशाल्लाह से म्यूजिक से बड़ा इंतजार करता हूँ। नुसरत फतेह अली खान तो आपके फेवरेट हैं शुरू से, ऐसे बंदों से मिलने में खुशी होती है यार, खानदानी बंदे होते हैं जो ऐसा है, इसीलिए 50K सब्सक्राइबर्स हैं। दिस इज द थिंग, ठीक है, आप जिस दिन आपको लगने लग जाएगा ना कि आप बहुत बड़े हैं, फिर उस दिन कोरोना आ जाता है। ये बड़ा जबरदस्त चीज थी सर, ये बहुत जबरदस्त बात थी, ये सही बात कोरोना है दिखाने के लिए सबको, यही आया ना कि भाई हर कोई अपने आप को क्या क्या समझता है कोरोना, बट इन द एंड ऑफ द डे वी आर नथिंग, नो वन, इवन यू आर माइकल जैक्सन, यू आर बिग सेलिब्रिटी, यू आर नो वन, यू आर कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है यार, वी हैव टू बी हम्बल, वी हैव टू बी डाउन टू अर्थ, हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, किरदार ही बहुत बड़ी चीज है मुश्तवा भाई, आपको पता है 100 करोड़ का तो किरदार ही होता है सर, ऐसा ही, it's all about the way we treat people, that's what comes back to you. So Mustafa भाई, हमारी पाकिस्तानी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, अभी बहुत सारे हमारे पास एक पीछे से यूथ आने वाली है जो कि म्यूजिक भी क्रिएट करेगी, जो कि कंपोजर भी बनेंगे, तो बिल्कुल, people they want to join the music and they love the music, so what's your message about them, क्या बताना चाहेंगे सर उनको आपको जो काम करना, टू वर्क ऑन योर स्किल्स, सबसे पहला काम है कि आपने फाइंड आउट करना है कि आप क्या हैं, आप सिंगर अच्छे हैं, आप म्यूजिशियन अच्छे हैं, आप राइटर अच्छे हैं, फिर उस चीज को लेके आगे चले और उसमें फाइंड आउट करें कि आपका अपना पर्सनल स्टाइल क्या है। ये नहीं कि अगर मैं किसी बहुत बड़े सिंगर का फैन हूं तो मैं अपनी आवाज भी उसकी तरह बना के कॉपी कर रहा हूं उसको, तो मेरी ओरिजिनलिटी लूज हो जाएगी और कोई मुझे सुनेगा भी नहीं, वो कहेंगे यार ये तो ऑलरेडी हम सुन रहे हैं, इतना फेमस है इसको क्यों सुने। यू नीड टू फाइंड योर ओन एंड देन वर्क ऑन इट एंड प्रैक्टिस करो सर। एक बिलियनियर का मैंने कॉल पढ़ा कि यू आर बोर्न ओरिजिनल, डोंट डाई अ कॉपी। एग्जैक्टली, that's how it is, so you know you need to make your own, of course aap influence hote hain, aapko influence hona bhi chahiye different musicians se, but at the same time you have to keep originality, that's how things work, baki work hard you will inshallah, agar aapko bahut zyada junoon hai aap khud hi apna path find kar lete, sahi baat, that's how it is, junoon jisme hota hai mustafa bhai wo rasta khud bana leta hai sir, jitne kaante bichhane wale hain, jitni rukawatein hain, he will create himself or and you are the example for us sir, hum aapke sath malaysia mein khelte kudte the, aaj aap ek bada naam kar rahe hain aur aage bhi inshallah taala I hope you will get a biggest success in this world sir, biggest success, that's my word and mark my words, inshallah taala I will pray for you sir ke aapko ek bade level ka music industry mein naam mile, ताकि मैं फखर से बता सकूं कि मेरा दोस्त मुस्तफा भाई जो है ना सर, कॉन्सर्ट चल रहा है मुस्तफा भाई का। इंशाल्लाह यार, कॉन्सर्ट्स ऑफर होते हैं पाकिस्तान में, बट यू नो द थिंग इज ड्यू टू जॉब एंड डिफरेंट कंट्री इतना इजी नहीं होता, सो इंशाल्लाह प्लान करेंगे पाकिस्तान में प्रॉपर कॉन्सर्ट। मुस्तफा कभी आओगे तो सही है, आना तो पड़ेगा कभी ना कभी, सही है, नाम हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह मेरी दिल से दुआएं, आओगे तो आना और लाजमी भाई को भी बुलाना भाई, टिकट विकेट भेज देना एक फ्री में भाई को। डेफिनेटली इंशाल्लाह, मेरा इंशाल्लाह प्लान है इसी साल
मैं मेरे गर्मियों में प्लान है फॉर कमिंग टू क्या नाम है कराची सो इंशाल्लाह डेफिनेटली विल मीट इंशाल्लाह तआला सर मैं आपका दिल से इंतजार करूंगा कि आप कराची हैं एंड आई एम रेडी टू सर्व यू इन कराची और इंशाल्लाह तआला कुछ व्लॉग्स भी आपके साथ क्रिएट करेंगे हम यहां कराची में सर मुझे कमेंट करा और कहा कि मुस्तफा भाई को दोबारा लेकर आए तो सर आपको दोबारा हमारे स्क्रीन पे आपको आना पड़ेगा मुस्तफा भाई अपना ख्याल रखिएगा सर अल्लाह हाफिज टाइम आएगा उठ जा अपनी राख से टूट जा अब तलाश में